हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बिंता सुपर क्लासेस। आज हम लोग गणित में एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवत या मसो भाग विधि द्वारा निकालना सीख लेते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम लोग दो अंक का देख लेते हैं, फिर तीन अंक का देखेंगे, ऐसे बढ़ते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले दो अंक का देख लेते हैं। मान लीजिए हमको आठ और दस का मसो या एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहला काम बड़ा में छोटा से भाग देंगे। तो ये दस बड़ा है, आठ छोटा है, तो इसमें आठ से भाग देंगे तो आठ एक कम आठ, दो शेष आया। अब ध्यान दीजिए, इस आठ को यहाँ उतार देंगे और ये जो शेष बचा है इस शेष में भाग देंगे, दो चौका आठ, ये हमारा कट गया। और जहां पर कट जाता है पूरा पूरा, वही उसका मसो हो जाएगा। तो मसो या एस सी एफ बराबर दो। अब हम लोग तीन अंक का देख लेते हैं। मान लीजिए हमको बारह सोलह और बीस का निकालना है। सबसे पहला काम सबसे छोटा में उससे बड़ा का भाग देंगे। सबसे छोटा बारह, उससे बड़ा सोलह है, तो सोलह भागा बारह, तो बारह कम बारह चार हुआ। अब ये बारह यहाँ आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, चौथे बारह, बारह हो गया, सोलह हो गया, बीस बचा। यहाँ जो है बीस, और कटा किससे है, चार से, चार पचे बीस, ये हमारा बारह भी हो गया, सोलह भी हो गया, बीस भी हो गया। तो एच सी एफ बराबर चार हो गया। हमारे यहाँ चार पूरा पूरा कर दिया है, ये हमारा आंसर हो गया। तीन अंक में निकालना सीख लेते हैं। मान लीजिए हमको बीस तीस और पंद्रह का निकालना है। तो सबसे पहला काम सबसे छोटा को बड़े में भाग देंगे। सबसे छोटा पंद्रह है, तो यहाँ पंद्रह लिख देंगे, बीस में भाग दे देंगे, तो पंद्रह का पंद्रह, पाँच से बचा, यहाँ ये पंद्रह यहाँ आ जाएगा। अब पाँच थे पंद्रह, हमारा बचा हुआ क्या तीस, यहाँ कटा किससे है, पाँच से, पांच छके तीस, तो हमारा एस सी एफ बराबर हो जाएगा पांच। अब चार अंक में देख लेते हैं। मान लीजिए हमको पंद्रह पच्चीस साठ और दस निकालना है। तो सबसे छोटा काम, सॉरी सबसे पहला काम छोटे से बड़े में भाग देंगे। तो सबसे छोटा दस भागा पंद्रह, तो दस एक कम दस, पांच से आया, इस दस को यहां लिख देंगे, दस पचे, सॉरी पांच दूना दस, ये कट गया, पांच बचा। अब हमारा बचा हुआ है जो पच्चीस, पच्चीस ये पांच से कटा हुआ था, इसे भाग देंगे, भागा पांच, बचा पच्चीस। अब बचा हुआ है साठ, अब फिर किससे कटा, पाँच से कटा है, पाँच से भाग दीजिए, पाँच एकम पाँच, जीरो, पाँच दूना दस, यहाँ पूरा पूरा कर गया। हमारा दस भी हो गया, पंद्रह भी हो गया, पच्चीस भी हो गया, साठ भी हो गया, चारों अंक हो गया। तो एस सी एफ बराबर पाँच। अगला हम पांच अंक में देख लीजिए। मान लीजिए हमको बारह छत्तीस अट्ठारह तीस और बयालीस निकालना। तो सबसे पहला काम छोटे से बड़े में भाग देंगे। सबसे छोटा अठारह है, अठारह भागा बारह, बारह कम बारह, आठ में से दो गया छः, अब ये बारह यहाँ लिख देंगे, छः दूना बारह कट गया। अब बचा हुआ जो हमारा छत्तीस, छत्तीस
भागा 6 कर दीजिए, 6 × 3 = 36 ये कट गया और बचा हुआ है 30, जिससे कटा उससे भाग दीजिए, 6 से कटा है, 6 × 5 = 30 अब बचा हुआ हमारा 42, 42 भागा 6, 6 × 7 = 42 ये हमारा कट गया, किससे कटा 6 से, तो एच सी एफ बराबर 6 हो गया हमारा। अब मान लीजिए हमको 6 अंक का सीखना है तो पहले 14, 21, 84, 56, 70 और 98 का निकालना है। सबसे पहले हम छोटा से बड़ा भाग देंगे तो 14 भागा 21, 21 भागा 14, 14 कम 14 यहाँ जो है कि 7 बचा, यहाँ 14 आ गया, 7 × 2 = 14 ये हमारा कट गया। अब बचा हुआ 84 कटा है 7 से तो भाग दीजिए, 7 कम 7 एक बचा, 7 × 2 = 14 फिर 37 कटा। अब बचा हुआ है 56 56 भागा 7 7 × 56 फिर 7 से कटा, फिर 70 है, 10 7 कम 7 = 0 फिर 37 से कटा और हमारा 98 बचा हुआ है, 98 भागा 7 7 कम 7 दो बचा, 7 × 28 हमारा 5 अंक हो गया 14 हो गया 21 हो गया 84 हो गया 56 हो गया 70 हो गया और 98 हो गया और सबसे लास्ट में कटा हुआ है 7 से, तो एस सी एफ बराबर हो जाएगा 7। प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।